बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत नबलूकुम बिल शर्री वल खैरी फितना व इलैना तुरजऊन सदक़ल्लाहु अज़ीम। बिरादरान इकराम, अल्लाह ताला सूरह अंबिया की 35वीं आयत में फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये बात हम सब के इल्म में ही, पैदा हुए एक दिन और मरना एक दिन है, लेकिन इस ज़िंदगी के छोटे से वक्फे में अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के बाद के हिस्से में, नबलूकुम बिशर्री वल खैरी फितना, फरमाते हैं कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुमको आजमाएंगे ये ज़िंदगी के मुख्तसर से पीरियड में, बुराई में मुब्तला करके और भलाई में मुब्तला करके। आओ वो इलैहि तुरजऊन, अब तुम सबको तो लौट के हमारे पास ही आना है। अब इसके अंदर
अल्लाह ताला ये साफ तौर पर फरमाते हैं कि तुमको ज़िंदगी के अंदर जो आजमाया जाएगा शर में, बुराई में, मतलब तुमको जो है आजमाइशों में डाला जाएगा, मुसीबतों में आपको जो है घेरा जाएगा और तंगदस्ती में आपको गिरफ्तार करेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला भलाई भी करेंगे, सेहत व आफियत देंगे, माल दौलत की फरावानी देंगे, इज्जत वगैरह सब कुछ देंगे। लेकिन ये सब क्या है? आजमाइश के लिए है, तुम्हारी ये बतरीख है, इम्तिहान है तुम्हारा, और इसके अंदर अगर आप रज़ा इलाही चाहते हैं तो शुक्र और सब्र कीजिए, और जब इम्तिहानों से आप जब गुज़रते हैं, खुशी का जब मौका होता है तो शुक्र अदा कीजिए, और जब कभी आपको तकलीफ़ और आजमाइश में जाते हैं तो सब्र कीजिए। तो सब्र और शुक्र ये दो अल्लाह ताला ने हमें रास्ते दिए हैं, इसके ऊपर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, और चूंकि लौट के हमको उसी की तरफ जाना है, अल्लाह ताला हम सबको इन आयतों को अच्छी तरीके से समझने और उसमें तदब्बुर करने और अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आज के नशस्त के ताल्लुक से कि आज इस्लाम की जो है ना तारीख़ इस्लाम की जो है 981वीं नशिस्त है, जो जामिया मस्जिद आलिया गंज फाउंड्री में बाद नमाज असर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हो रही है। आज 26 नवंबर है और मुखातिब करने वाले हमारे शहर के मारूफ शख्सियत, जो मोहताज तारुफ़ नहीं, जनाब प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब हैं। आज आपका उन्वान है ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत पर मौलाना आज़ाद की तहकीक और एक तारीख़ी कारनामा। इस मौजू पर आप हम सबको इल्म से नवाजेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ राशिद साहब से कि वो आएँ और मुखातिब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ عزیزانِ گرامی، حضرت ذوالقرنین کے سلسلے میں گفتگو بہت اہم ہے، کیونکہ تقریباً سورۃ الکہف کی 16 آیات آپ کے تذکرے پر مشتمل ہیں، तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़हम क़ुरान के लिए भी ये ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला ने जब बंदों के लिए आपका तज़किरा फरमाया तो ज़रूर हमारी इसमें कुछ रहनुमाई है, हिदायत के पहलू हैं, अमली ज़िंदगी में इस्तेफादे के लिए भी इस रुकू को, इन आयात के मजमू को समझना ज़रूरी है, और ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत को समझना ज़रूरी है। और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस तस्करे को जगा दिया सूरतुल कहफ में। हालांकि मक्के मुकर्रमा में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की शोहरत मक्के की बस्ती से बाहर निकलकर जज़ीरतुल अरब में फैलने लगी थी, तो यहूदियों के कान में जब ये खबर पड़ी तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 सवाल भेजे थे। और पहला सवाल उनका था, रूह किसको कहते हैं? वो समझ रहे थे कि ये रूह के मामले में गैर नबी को जवाब देना मुश्किल है। वो अहले किताब थे, होशियार थे। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में उसका तस्किरा फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह, पुल रूह मिन अम्र रब्बी,
दूसरा सवाल उनका था कि वो कहफ वालों का क्या किस्सा है, कुछ लोग गायब हो गए थे वो क्या किस्सा है, और उनको यकीनन इत्तला थी कि मक्के के लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे, ये तो रोमियों का और ये तो इसराइलियों का किस्सा है। लेकिन आप जानते हैं कि सूरतुल कहफ के पहले रुको में अल्लाह ताला ने उनका तस्किरा फरमा, कहफ वाले कौन थे, क्यों निकले थे, हिजरत क्यों की थी, गार में उन्होंने कैसे पना ली थी, और इस पर बहुत ही अच्छी जामे मुदल्लल किताब अरबी में आ चुकी है, कहफ अहलिल कहफ, शेख तैसीर जुबियन उनका नाम है मुसन्निफ़ का, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने बड़ी तहकीक की, बहुत ही मारकतुलारा किताब है, तबाह हो चुकी। तीसरा सवाल उनका था कि ये हज़रत ज़ुल्करनैन कौन है, उनकी शख्सियत क्या है, ये आप बतलाइए। अल्लाह ताला ने यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन कहकर उनके सवाल का तस्किरा फरमाया कि ऐ रसूल आपसे ये ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। इरशाद फरमाया आप उनसे कह दीजिए, बतला दीजिए कि ज़ुल्करनैन एक खुदा रसीदा नेक अल्लाह के चहीते मकबूल बंदे थे, मुत्तकी थे, आदिल थे, आदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, तीन सिफात को अल्लाह ताला ने नुमाया किया। ये तीन सिफतें हम जहन में रखें ताकि आपकी शख्सियत को समझने में और जो मौलाना आज़ाद ने कोशिश की उस कोशिश को समझने में ये मामिन बनेगी। वो तीन सिफात में पहली सिफत तो ये कि मुवाहिद, तौहीद का मानने वाला, वो अल्लाह का बंदा था, आखिरत पर ईमान रखने वाला था, वो अल्लाह का बंदा, ईमानियत थी उनमें जो नबियों की मीरास होती है। नंबर दो, बहुत ही इंसाफ पसंद थे, आदल, रहमदिली और अच्छे हुक्मरानों की सिफात उनके अंदर थी। नंबर तीन, फतुहात उनकी अजीमुशान थी, लंबी चौड़ी फतुहात थी, और भी बात चीज़ें हैं लेकिन ये तीन बुनियादी बातें हैं जिसको हम जहन में रख लें कि कुरान मजीद में जो खाका आया है आपकी शख्सियत का हज़रत ज़ुल्करनैन का, उसमें शर्त नंबर एक है कि ईमान वाले होना चाहिए, शर्त नंबर दो बड़े आदल पसंद होने चाहिए, शर्त नंबर तीन बड़ी फतूहत होनी चाहिए, ये जहन में हम रख के आगे बढ़ें। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही को सुना दिया तो यहूदियों को यकीन हो गया कि ये बुनियाद जो है वही है, ये सोर्स, ये इलाही सोर्स है, ये कोई शख्सी मालूमात नहीं हो सकती कि मक्के का एक उम्मी इतनी तहकीकी बात बता दे कि इन हदूद से और इस तस्किरे से आगे कोई तस्किरा ही ना हो सके। तो ये मोजज़ा था और अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाज़िल फरमाया। ईमान कबूल करना जिनके लिए मुकद्दर था, ईमान कबूल किया, जिनको बेईमान मारना था उन्होंने शक़े कमर को भी देखा तो ईमान कबूल नहीं किया, जादूगरी कह के रिजेक्ट कर दिया, वो तो हिदायत इनाबत से आती है, तौफीक अल्लाह ताला से मिलती है जब बंदे के अंदर बंदगी आती है, वो एक अलग चैप्टर है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकीकतें बयान कर दी तो उस वक्त की जो यहूदी या आप ये कह लीजिए कि इसराइली लॉजिक थी उसने उसको कबूल किया और उनको समझ में आ गया। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैर चूमे और कहा आप नबी है, बरहक है, मगर मसला ये है कि आप इस्माइली और हम इसराइली हैं, हम ये बड़ा मसला है कहा उन्होंने। ये रिवायतों में आता है, इन सवालात के जवाब पाकर इनकार नहीं कर सके वो लोग। अब वो मसला ये हुआ कि आगे चलकर तहकीक शुरू हुई मौरखीन की कि ये हज़रत ज़ुल्करनैन है कौन। अरबी में जब ज़ाल और वाव लगाते हैं, ज़ो इल्म, ज़ो माल, तो वाले का तर्जुमा होता है, और करनैन कहते हैं दो सिंघों को, सिंह जो मवेशियों को सिंह होती है,
करनुन एक सिंह को कहेंगे करनैन, तस्निया दो सिंह। तो ज़ुल्करनैन का अगर आप लफ्जी तर्जुमा देखना चाहे तो दो सिंह वाले, दो सिंगों वाले, ये मफ़हूम है। ये टाइटल उनको क्यों दिया गया, उनकी असल तारीखी हकीकी शख्सियत क्या है? शुरू से मौर्रिखीन ने तहकीक की, बड़े बड़े अइम्मे तारीख, अइम्मे तफसीर ने, उसमें अक्सर व बेशतर लोगों ने सादगी के साथ लिख दिया ये सिकंदर है, अलेक्जेंडर जिनको इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन मुसीबत ये हुई कि सिकंदर जो है बड़ा जालिम भी था, ईमान से महरूम था, जुर्दुश था, आग की पूजा करता था। सिकंदर साहिब तौहीद नहीं था। सिकंदर, सिकंदर आजम उसको कहते हैं ना, ग्रेट अलेक्जेंडर। तो सिकंदर आजम जो थे वो जैसे भी थे होंगे, लेकिन उनके जुल्म की दास्तानें भी आम हैं और तौहीद से उनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सीधा सीधा लिखा गया वो मुशरिक थे। तो उनका अल्लाह ताला ऐसा तारुफ कराए एक मिसाली शख्सियत के तौर पर कुरान मजीद में आखिरी अपने कलाम में, ये मुमकिन नहीं। तो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें एक इजाफा किया कि ये सिकंदर रोमी नहीं, ये सिकंदर मकदूनी है। सिकंदर रोमी वो है जिसको हम द ग्रेट अलेक्जेंडर कहते हैं, देखिए सिकंदर आजम। तो कहा ये जो हमारे मौर्रिखीन ने बड़ों ने लिख दिया है सिकंदर है, सिकंदर है, सिकंदर है, ये सिकंदर वो सिकंदर नहीं जो रोम का था, बल्कि ये सिकंदर मकदूनी है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के आसपास के थे। लेकिन इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह से ये मसला हल नहीं हो पाया। बहुत तफसील के साथ आपने अपनी तफसीर में और आपकी जो तारीख की किताब है अलबिदाया व निहाया, बहुत तफसील के साथ बहुत सारी बहसें की उस मौके पर, तारीखों का तायुन करने की कोशिश की। लेकिन मसला ये है सिकंदर मकदूनी की किसी किस्म की फतूहात तारीख में मस्कूर नहीं है, और माकबले तारीख में वो चुके गुजर चुके हैं, इसीलिए उनकी शख्सियत पे पर्दा पड़ा हुआ है। और कुरान मजीद ने हजरत ज़ुल्करनैन को ऐसा पेश किया जैसे मुतारफ हो, लोग समझ रहे हो, लोगों के सामने उनकी शख्सियत का तारुफ रहा हो, बिल्कुल अजनबी ना हो। लिहाजा इमाम इब्ने कसीर की राय बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, दीगर मुफस्सिरीन ने कबूल नहीं की और कहा ये दरअसल मलिक हमीर है। हमीर यमन की एक ममलकत थी, उसके एक बादशाह थे तबाबिया उनका नाम था, वो बड़े नेक थे, ठीक ठाक थे, लिहाजा वो मुराद हैं। उनकी मुसीबत ये हुई वो बहुत छोटी सी ममलकत के बादशाह थे, यमन के एक छोटे से जुज के बादशाह थे। हमारे पास जैसे नवाब वगैरह हुआ करते थे दक्कन में, नवाब थे रामपुर में, नवाब थे भोपाल के, नवाब थे, ऐसे एक छोटी सी सल्तनत थी और मंजिर के नाम से वो जाने जाते हैं। बहुत छोटी हुकूमत के नवाब थे वो, बादशाह थे, मलिक का लफ्ज़ आता है। लेकिन जो ज़ुल्करनैन की सल्तनतों का जिक्र है मशरक़ व मगरिब, वो उन पर सादिक नहीं आती। ये एक तारीखी पहलू, बल्कि आप चाहे तो कह लीजिए तारीखी खला था, एक कमी थी। और अल्लाह ताला का अजीब मामला है, अजीब व गरीब मामला है कि अल्लाह ताला किसके हक़ में क्या मुकद्दर फरमाता है वो बस वही जानता है। चुनाचे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस पे तहकीक शुरू की जब वो तफसीर लिख रहे थे, तो उनकी तफसीर में जो बेचारों को मुसीबतें पेश आई वो आप उसके मुकदमे में पढ़ लीजिए। कभी गिरफ़्तार होते थे, कभी छूटते थे। तहरीक आज़ादी के वो बड़े मुजाहिद थे तो उनके साथ बड़े मसाइल हो रहे थे। कभी कभी उन्होंने लिखा है कि पूरे बक्से भर भर के मेरी किताबें लेके चले गए अंग्रेज़, मुझे बिल्कुल उन्होंने माजूर कर दिया। सब मुकदमे में हैं, आप पढ़ सकते हैं तर्जुमानुल कुरान के। लेकिन सूरतुल कहफ़ पहुँचने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की रगे तहकीक फड़क उठी, रगे गिरत तो नहीं कहूँगा मैं, रगे तहकीक फड़क उठी। ऐसी नादिर उन्होंने तहकीक की, इतनी ज़बरदस्त तहकीक की मौलाना आज़ाद ने,
आप ज़रूर वो हिस्सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। बड़ी तारीखी इस्तिलाहें हैं और बहुत जोग्राफिया के अल्फाज हैं, थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा, लेकिन ज़रूर उससे इस्तेफादा कीजिए। मौलाना आज़ाद ने 1885 में एक फ्रांसी सयाह, अब उसका नाम भी अजीब और गरीब है, डिमोल्जे डिमोल्फे कुछ इस तरह का उसका नाम है, वो मुतवातिर 4 साल के लिए ईरान और उसके अतराफ और अकनाफ के इलाकों पर अपनी बीवी के साथ रिसर्च करता रहा, तस्वीरें लेता रहा, उस ज़माने के बड़े कीमती अप टू डेट कैमरे ले गया। 2 जिल्दों में उसने किताब लिखी और उस किताब का पर्शियन तलफ़ तो मुश्किल है, वो ले एंटीक्यूट ले पर्शिया कुछ इस तरह है, ले गालिबन एल ए ले दी के मानों में आता है, वल्लाहु आलम ज़बान यार मन तुर्की तुर्की नमीदानम, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों जिल्दों का, उस किताब का वो कॉन्सेप्ट ये है कि ईरान की नादिर एंटिक नादिर किस्म की तारीख की तहकीक बातस्वीर एल्बम के साथ उसने छापा है। मुझे ये तो पता नहीं है वो किताब का इंग्लिश तर्जुमा हुआ या नहीं हुआ, ये भी पता नहीं मौलाना आज़ाद फ्रेंच जानते थे या नहीं जानते थे, इंग्लिश तो बहुत अच्छी जानते थे, लेकिन मौलाना ने उस किताब को पढ़ा और बड़ी गहराई के साथ पढ़ने के बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसमें बरामद करते हुए बताया कि ज़ुल्करनैन की शख्सियत बहुत तयशुदा है, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होना चाहिए, और वो शख्सियत है जिनको अरबी में साइरस कहते हैं और जिनको पर्शियन में और फिर फारसी से हमारी उर्दू ज़बान में के खुसरो कहते हैं, और मुख्तसर करके खुसरो खुसरो कहने लगे हम लोग, वह असलन खोरिस हैं, वो दरअसल एक ऐसे अल्लाह ताला के नेक बंदे थे कि जब ईरान में उनकी पैदाइश हुई तो नाना बादशाह था और उसको किसी पेशनगोई करने वाले ने कह दिया था कि जो नवासा पैदा हुआ है यूं ही तेरे दामाद से इख्तलाफात चलते हैं, ये नवासा तो तेरी हुकूमत ख़त्म कर देने वाला है, वो जरदुश्त था, आग की पूजा करने वाला बादशाह था, तो इस बच्चे को उन्होंने जंगल में फिकवा दिया था, 2-2.5 साल का बच्चा था वो, जंगल में फिकवा दिया था और बच्चा चरवाहों के हाथ लग गया था, बकरी चराने वालों के हाथ लग गया और उन्हीं के साथ वो बच्चा चरवाहा बना, लेकिन खून में क़यादत थी, खून में मुहिमजोई थी, लिहाजा उसने चरवाहों को जमा करना शुरू किया और चरवाहों को जमा कर कर एक यूनिटी बनाई, वहदत, एक लश्कर, और फिर पहले ईरान फतह किया उस नौजवान ने, और फिर ईरान फतह करने के बाद से अब देखिए कुरान पाक का बयान शुरू होता है, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैना हू मिन कुल्ली शैइन सबबा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने उनको ज़मीन पर इख्तदार दिया, बाप से इख्तदार नहीं मिला उनको, मौरूसी हक नहीं था, अल्लाह का अता करदा था, लिहाजा ये अल्लाह ताला ने उस लड़के को हिम्मत दी थी और उस लड़के के अंदर ये सलाहियत रखी थी, कायदाना अस्करी सलाहियत, जिसकी वजह से उन्होंने फतुहात की और पहले ईरान में दाखिल हुए और ईरान में दागबेल डाली अपनी हुकूमत की, और उसके बाद से ये वाकया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 550 साल पहले का, माकबल मसीह कहते हैं उसको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 550 साल पहले ईरान में एक इस्टेब्लिश्ड किस्म की हुकूमत वजूद में आ गई, और वो बच्चा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर होकर मुवाहिद बना, इसराइली नहीं थे वो, ईरानी नस्ल के थे, लेकिन उन्होंने नबवी तालीमात कबूल की, मुसलमान हुए वो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात उस वक्त राइज थी, अकीदे तौहीद भी बना उनका, आखिरत का अकीदा भी बना, बहुत नेक दिल खुदा तरस इबादत गुजार बादशाह बने,
अचानक फलस्तीन पर हमला हुआ, बख्तनसुर ने फलस्तीन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हैकेल सुलेमानी को डिमोलिश कर दिया और जो तौरात की तख्तियां संदूक में रखी थी वो उठाकर लेकर चला गया। तो उस जमाने में एक नबी हुए, नबी दानियाल। कुरान मजीद ना उनकी तस्दीक करता है ना उनका इनकार करता है, लेकिन बाइबल में उनका बहुत तस्किरा है, जिसको किताब मुकद्दस कहते हैं बाइबल, उसमें उनका बहुत तस्किरा है। और उनके मुकाशफात, उनके जो ख्वाब हुआ करते थे और ख्वाब में जो वही आती थी, उसके चैप्टर से पूरे नबी दानियाल का चैप्टर है। आप बाइबल अगर उर्दू की अवेलेबल है आपके घर में तो आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ख्वाब देखा कि हम लोग लुट गए, पिट गए, हर तरह से शिकस्त हो गई, तौरात की तख्तियां गायब हो गई, हैकल सुलेमानी मुनहदिम कर दी गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन अल्लाह ताला एक मेंढा भेजा, बहुत ताकतवर मेंढा, और उसके ज़बरदस्त लंबी चौड़ी सींगे, दो सींगों वाला मेंढा। अब वो आया भागता हुआ और फलस्तीन के मशरिक में एक सींग मारी और रुकावटें तोड़ दी, मगरिब में एक सींग मारी और रुकावटें तोड़ दी। तो बाइबिल में ये बयान मिलता है कि सुबह उठकर उन्होंने अपने चाहने वालों से, जो भी उनके सामाईन थे, उनसे कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा और मैं इस ख्वाब की ताबीर ये करता हूँ कि अल्लाह ताला एक ज़बरदस्त ताकतवर बंदे से, हम लुटे पिटे टूटे हुए गरीब फलस्तीनियों की, फलस्तीनी ने कहना चाहिए, इसराइलियों की मदद करेगा। दो अलग अलग चीज़ें याद रखिए, इसराइली अलग है, फलस्तीनी अलग है। फलस्तीनी फलस्तीन के ओरिजिनल लोग हैं, इसराइली फलस्तीनी नहीं होते। वो तो इसराइली कौन है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक, हज़रत इसहाक के वालिद इब्राहिम, वो इराकी हैं। तो इराक से गए थे हिजरत करके, फिर ये लोग चले गए थे कहाँ? ये लोग चले गए थे मिस्र, मिस्र में रहे। फिर मिस्र में कई सौ साल गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको फ़लस्तीन ले जाना चाह रहे थे, नहीं माने, वफ़ात हो गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। वफ़ात के 40 साल के बाद ये फ़लस्तीन में दाखिल हुए। फिर इनको मार के भगाया गया फ़लस्तीन से बख्तनसुर ने। फिर उसके पास से मदद हुई, अभी ये जो गुफ्तगू आ रही है। फिर आबाद हुए फ़लस्तीन में, फिर टाइटस ने हमला किया, रोमी बादशाह ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50 साल 60 साल पहले। फिर भागे ये लोग इधर उधर, बर्बाद हो गए। फिर हज़रत उमर ने भगाया इनको, और हज़रत उमर की वसीयत ऐसे बोर्ड पे लिखी हुई है मस्जिद उमरी में, लोगों को बड़ा इख्तलाफ होता है, लेकिन वो हज़रत उमर की वसीयत है, सही है, पत्थर पे कनिंदा है। उसमें लिखा है कि ये इस ममलकत में फ़लस्तीन की मुसलमान भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, यहूदियों को रहने की इजाज़त नहीं। आप जाके पढ़ सकते हैं, आज भी लगा हुआ पत्थर का कचरा। अगर मुस्लिम बादशाह इस पर अमल करते तो आज ये मुसीबत नहीं होती, आज ये मुसीबत नहीं हो। उमर ही बसीरत थी, वो देख रहे थे ये क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल एक दूसरी तारीख है। भाई अर्ज़ कर रहा था कि ये इसराइली अलग है, ये इनका वतन फ़लस्तीन नहीं है, ये घुस घुस के आते हैं। और अजीब बात है, अल्लाह ताला का फैसला, अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, वबाहू बिगज़ब और क्या फरमाया, देखिए वो इल्ला भी हब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, बस कभी कभी लोग इनकी मदद कर देते हैं तो बस जाते हैं, वरना फिर ये बर्बाद हो जाते हैं। तो भैया अर्ज कर रहा था कि ये इसराइली जो है ये बिल्कुल लुट गए थे, पिट गए थे बख्तनसुर के हमले के बाद, बिखरे हुए थे, मार मार के भगा दिया था चारों तरफ, इतनी शहादतें हुई थी, इतना मारा था कि हज़ारों लोग मर गए थे, 70,000 कहते हैं मार डाला था, वल्लाह आलम। अब नबी दानियाल ने कहा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक कवी है कल ताकतवर हुक्मरान से हमारी मदद करेगा। और फिर उनकी दावत पहुंची खौरस तक, खुसरो तक या ज़ुल्क़रनैन तक, और उन्होंने दावत कबूल की और निकले। निकलने के बाद ईरान से वो आगे बढ़ते चले गए। अब बेहतर तो ये होता कि एक मैप होता और मैप पर आपको बताता। अल्लाह ताला एडवोकेट साहब की सरपरस्ती में इस कॉन्फ्रेंस हॉल को डिजिटल बना दे,
और हमको वो सब सब हाँ आजकल का तकाजा है। तो आप देखिए, आप इंडिया के नॉर्थ में जाइए, मैप में कोई मैप उठाकर इंडिया के आप नॉर्थ में जाइए, अफगानिस्तान जरा पार कर लीजिए, तो ईरान के दो तरफ जाइए आप, एक मशरिक़ की तरफ और एक मगरिब की तरफ। तो मशरिक़ की तरफ जो आगे बढ़े वो तो रूस की सल्तनतों तक गए, और रूस के दर्रों तक जाकर उन्होंने अफगानिस्तान वगैरह सब फतह किया, और इधर हिंदुस्तान में सिंध तक आए, सिंध तक उन्होंने फतुहात की, और उधर बाबुल गए इराक में, मगरिब में बाबुल तक चले गए, और फतुहात करते 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 जब वो मगरिब में आगे बढ़ते चले गए वेस्टर्न साइड, तो उनके सामने फिर वो समंदर आ गया जिसको हम आजकल कैस्पियन सी कहते हैं। कैस्पियन सी ये एक बहुत बड़ा लेक है, समंदर क्या बहुत बड़ा, सैकड़ों किलोमीटर का। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा सूरज ऐसे गुरूब हो रहा है जैसे कि समंदर में उतर रहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वजदा फी आइनिन हमीयतिन, के ऐसा लग रहा था कि एक बड़े से चश्मे में सूरज डूबा जा रहा है। वहाँ तक वो फुतुहात करते चले गए। वो जमाना ना एरोप्लेन ना बड़े पानी के जहाज, तो उसके आगे तो वो जा नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने बाबुल का जो बादशाह था, बाबुल से मुराद इराक की पुरानी सल्तनत, वो बख्तनसुर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वालों को दोबारा ला के फ़लस्तीन में आबाद किया, तकवियत दी उनको। जब वो वहाँ पहुँचे तो आप जानते हैं कि एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको अरबी, फारसी और उर्दू में कोहे कफकास कहते हैं, कोहे कफकास, और इंग्लिश में कोकेशियन माउंटेन कहते हैं, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन है, उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा ना मैप होता तो बहुत जल्दी समझ में आता। वो पहाड़ियों के दर्रे तक पहुँचे जिसके पीछे से मंगोली हमलावर होते थे सिविलियंस पर, और लूट लूट के जानवर, बकरी, ऊंट सब ले जाया करते थे। वो बहुत गरीब हो चुके थे, चरवाहे लुटे हुए थे, हालत उनकी ख़राब थी, हर साल दो साल पर ज़बरदस्त किस्म का हमला होता था, लूट लिया जाता था। तो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की, कौन ज़ुल्करनैन ने या खुसरो ने ज़बरदस्त किस्म की दीवार बनाई, और जब उन चरवाहों ने कहा कि हुजूर आप इजाज़त दीजिए हम चंदा करके आपकी खिदमत में कुछ दे, तो कहा नहीं मुझे सिर्फ मैन पावर चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया उसका, अल्लाह ताला ने मुझे दे रखा है वो बहुत कुछ है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ अलबत्त काम में हाथ बटाओ। ये पूरा आप रुकू पढ़िए, उस रुकू में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। लिहाजा उन्होंने मजदूरी की, साथ में मेहनत की, और एक ज़बरदस्त किस्म की दीवार बना दी गई, और उसके पीछे ये मंगोली जिनके बारे में कहा गया कि यही याजूज माजूज है, याजूज माजूज, जॉज माजूज जिनको कहते हैं इंग्लिश में, यही वो कबीला है जो ज़माने में याजूज माजूज कहलाता था, बाद में मंगोली बने, फिर ये एशिया में दाखिल हुए, फिर इंडिया में मुग़ल बनकर दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने फासबा मिल गए काबे को सनम खाने से की तफसीर पेश की अल्लामा इकबाल ने इसी पे काम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने वहाँ दीवार बनाई, और दीवार बनाने के बाद फिर वह अपनी दारुसल्तनत लौट आए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 536 साल पहले आपकी वफ़ात हो गई। तो गोया आपके फतुहात का 20 साल ज़माना था, लेकिन अजीमुशान फतुहात थी, और बहुत से मौरखीन ने लिखा है कि इनकी फतुहात सिकंदर आज़म से भी ज़्यादा थी, लेकिन वो अपने जुल्म की वजह से बहुत मशहूर हो गया और इनको वो शोहरत नहीं मिली, लेकिन बहरहाल तारीख़ में उनका पूरा तस्करा मौजूद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पूरा इंतबाक दिया है, और जैसे इन तहकीकात को निकाल कर पहली मरतबा मुस्लिम सोसाइटी के सामने पेश किया, और फिर मौलाना आज़ाद की इस तहकीक से मौलाना आज़ाद के बाद जितने मुफस्सिरीन आने लगे वो सब मुतासिर होते चले गए।
चुनाचे आप मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान उठाकर देखिए, चुनाचे आप मौलाना अमीन हसन इस्लाही की तदब्बुर कुरान उठाकर देखिए, चुनाचे आप डॉक्टर इसरार साहब के खिताबात जो ज़ुल्करनैन के बारे में उठाकर सुनिए। ये सब ने दाद दी है और अरबों तक शोहरत पहुंची और अरब लिटरेचर में मौलाना आज़ाद के इस नज़रिए को पेश किया जाने लगा कि ज़ुल्करनैन की शख्सियत पर इससे पहले इतनी अच्छी तहकीक नहीं हुई थी, क्योंकि कुरान पाक के पूरे बयान को मिज़दाक मिल गया। ज़ुल्करनैन क्यों ज़ुल्करनैन टाइटल है उनका? क्योंकि वो नबी दानियाल ने दो सिंह वाले मेंढे को ख्वाब में देखा था, लिहाजा टाइटल ही दे दिया गया। और नबी दानियाल वो मदफून है इस्कंदरिया में, मिस्र का साउथ मिस्र में समंदर के किनारे एक शहर है। तो जब हमको गाइड ने कहा कि नबी दानियाल की कब्र भी इसी गली में है, लेकिन वन वे है, जैसे एबिट से आपकी वन वे, आप नामपल्ली की तरफ जा सकते हैं, अपोजिट नहीं आ सकते ना, वैसे ही वो वन वे है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये सर्कल है एबिट्स का, वैसे ही एक सर्कल है, यहाँ पे मैं कार पार्क कर लूँगा, आप गली में अंदर अंदर जाइए, लेफ्ट साइड पे वो मस्जिद पड़ेगी, मस्जिद के पीछे अगर आप कोई पूछेंगे तो लोग बता देंगे। हम लोगों ने कहा देख लें, तारीख से तो साबित तो है नहीं, लेकिन चूँकि एक सयाह के हैसियत से गए थे तो हम लोग गए, वो देख लिया हम। और हम वापस सो रहे थे तो जहाँ हमारी कार ठहरी हुई थी उस सर्कल के पास आए तो वहाँ मैं ठिटक कर रह गया, वहाँ मैं ठिटक कर रह गया, क्योंकि संगे मरमर का एक इंतहाई खूबसूरत स्टैचू है जिसको दो सिंगे हैं। देखिए आप ज़रा जहन में दो सिंगों वाली शख्सियत सोचिए, अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी बकरे की तरह सिंग, लेकिन उस फनकार ने स्टैचू नहीं बनाना चाहिए, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर उस फनकार के फनकाराना जहन ने ऐसा काम किया कि इतनी खूबसूरती से उसने ऐसे सिंगे निकाली कि देखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लिहाजा वो जो कॉन्सेप्ट है नबी दानियाल के ख्वाब का कि दो सिंगों वाली एक शख्सियत से, अच्छा ये भी लिखा मुफस्सिरीन ने कि दो सिंगों वाला इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बताया कि उनकी फतुहात मशरिक में भी रहेंगी मगरिब में भी, दो जाने, इसीलिए दो सिंगे। लिहाजा खुसरो के खुसरो या और भी उसके तलफ़ हैं, अरबी में कौरिश का भी नाम आता है, ज़बान बदलने से तलफ़ बदलता है। लिहाजा ये शख्सियत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तर्जुमा कुरान में ज़ुल्करनैन की तफसीर के पर पेश किया पूरे एतमाद के साथ, दूसरी कोई राय कबूल ही नहीं करते, वो ये भी है वो भी है ना, यही एक है कहा, ये उनका एतमाद था। और वाक़ ये है कि ये बहुत ही काबिल कबूल और दिल को लगने वाली राय है, मुतालआ कीजिए इसको। और इससे जो मैंने एक दो मिनट इससे मैंने जो पहले ही खिदमत में आपकी ये बात रखी थी कि हमारे लिए क्या है अल्लाह ताला ने क्यों इतना बड़ा किस्सा 16 आयतें, अगर हिदायत इंसानी से उसका ताल्लुक नहीं है नौज़ु बिल्लाह तो कुरान मजीद के शायान शान नहीं है, हमारे लिए उसमें जो सबक है वो औलुल अज़्म के जंगल में परवान चढ़ते हुए दुनिया को आदल से बदल सकता है इंसान। औलुल अज़्म बनो, हिम्मत वाले बनो, अपने मौक़िफ़ पर डटने वाले बनो, अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बनो, फतुहात अल्लाह ताला देगा, कामयाबी अल्लाह ताला देगा। असाइयो मिन्ना वल इत्माम मिनल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। एक आलिम के खिताब पे क्या तबसरा हो सकता है? आप से मेरी गुजारिश हुई थी उसको फिर दोहरा रहा हूँ। हिलफोर्ड पे आपका जो खिताब होता है हर हफ्ता, कौन सा चिरान पैलेस में, चिरान पहले नहीं वो होता है, कौन से दिन? हर संडे आजकल सर्दी में 7:30 बजे देखिए वो चिरान पैलेस में हर इतवार को, आजकल सर्दी में 7:30 बजे, गर्मी में 7 बजे से होता है, कुरान पाक की तफसीर की मजलिस होती है। शरियन पैलेस तो आप जानते हैं जुबली हिल्स के ऊपर, बहरहाल आप में से कोशिश कीजिए कि वहाँ पर अगर जा सके तो जाएं। लेकिन मेरी ये गुजारिश थी कि हमारी महाफिल में जो है नौजवान बहुत कम हैं और ये नौजवानों को लाने की जिम्मेदारी आपकी हमारी है, क्योंकि वो ऐसा भी वक्त होता उनके खेल कूद का
स्पोर्ट्स वगैरह का, लेकिन ये अगर एक आध महफिल अगर अटेंड करें इस किस्म की तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी गुजारिश है हमेशा से रही है कि आप ज़रा नौजवानों के लिए कुछ फरमाएँ। अभी जो आपको इलामिया मिल रहे हैं इन इलामियों के हिसाब से कहाँ से है सब ये आज ये हो गया। देखिए अब कल तर्जुम जुमा को या नहीं इतवार को वो तो छोड़ दीजिए। ये है तिलावत कुरान। तिलावत कुरान इंसानों का किस तरह ये है देखिए तिलावत जी। अब इंशाल्लाह ये पीर के दिन मंडे तिलावत कुरान ने इंसानों को किस तरह मुतासिर किया इस उन्वान पर जनाब सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन साहब खिताब करेंगे, वही असर बात यही टाइम। फिर उसके बाद दूसरे दिन दरस तजवीद है वो तो जोहर में है, नहीं वो भी बाद असर है। और फिर चारशंबे को रुजू इलल कुरान की अहमियत व ज़रूरत और फ़िक्र इकबाल ये जनाब अयाज शेख साहब खिताब करेंगे चारशंबे को, जबकि 30 तारीख रहेगी नवंबर की। मेरा गुजारिश है कि आप शिरकत फरमाएँ और साथ कम अज़ कम एक नौजवान को साथ लाएँ ताकि तरबी हो सके। दुआ की गुजारिश करेंगे। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين।